हे एवरीवन, वेलकम टू शो एमजाइस। मैं हूँ शिवांगी शर्मा और आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री। सो क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम 1000 सालों का टाइम पीरियड लेने वाले हैं, जिसमें जो जो भी चेंजेस आए उसको हम एक ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बेसिक हम पिक्चर समराइज करने वाले हैं अपने माइंड पे। ये है मैप वन। तो ये अगर आप मैप जो ये मैप वन है, ये एक अरब जियोग्राफिकर ने बनाया था 1154 CE में। उन अरब जियोग्राफर का नाम था अल इदरसी। अल इदरसी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका मैप बनाने की कोशिश की थी। बट अल इदरसी ने क्या किया था कि उन्होंने जो मैप बनाया था वो अपेरेंटली साउथ की चीज़ें उसमें नॉर्थ में थी और नॉर्थ की चीज़ें उसमें साउथ वाले साइड में थी। ठीक है, मतलब ये अपसाइड डाउन उन्होंने मैप बनाया था। ठीक है, उसके बाद जब 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर क्या होता है, कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। ठीक है, सो कार्टोग्राफर ने फिर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक मैप बनाया, जिसमें जो कि अल इदरसी के मैप्स के अराउंड 600 साल के बाद बना। मतलब 600 साल पहले तक जो अल इदरसी का मैप था वो उन्हीं का ही मैप फॉलो होता था। ठीक है, बट 1720 में जो है फ्रेंच कार्टोग्राफर है उन्होंने मैप बनाया। ठीक है, और उसमें जो भी है उसमें आपको सारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। और जो भी प्ले बट एक ये था कि जो अल अदरसी का मैप था वो अपसाइड डाउन थी और उनके जो प्लेसेस के जो जगह के जो नाम थे वो अरेबिक में थे। जबकि जब यहाँ पे हम मैप देखें जो अराउंड 600 साल के बाद बनाया था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, तो वो मैप इतने अच्छे तरीके से डिटेल्ड था। आप यहाँ पे देख सकते हो इतने अच्छे तरीके से वो मैप डिटेल किया हुआ था। उसमें कन्नौज जैसी जगहों का भी अच्छे से नाम लिखा गया था, जो वेल नोन जगहें थी उनका नाम भी लिखा गया था। और वो सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा डिटेल था। और आप देखो ये जो मैप हम आज यूज़ करते हैं उस मैप से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। जबकि आप चैप्टर मैप नंबर वन में देखोगे तो ये मैप तो बिल्कुल भी आपको फेमिलियर नहीं नज़र आएगा, है ना, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ें मतलब श्रीलंका तो साउथ में है ना, ईस्ट नॉर्थ में थोड़ी ना है। ये जो मैप इन्होंने बनाया था सेकेंड मैप नंबर टू, तो जो सेलर्स थे वो भी इसी मैप का यूज़ करके जो है वो उसी मैप का यूज़ करके वो लोग सफ़र किया करते थे, जो अपने वॉयजेस बेचने के लिए जाया करते थे। ठीक है, अपने वॉयजेस बेचने के लिए जाया करते थे। ओके, ये बात जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों जो कार्टियोग्राफी है ये दोनों दो बिल्कुल डिफरेंट पीरियड के हैं। ठीक है, जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री को जानने के लिए बेसिकली मैप्स टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स को ही पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन चेंज होता है। मतलब जो हिस्टोरिकल चेंजेस है, जैसे जो हमारी हिस्ट्री थी उसमें जो लैंग्वेज थी वो मेडिवल पर्शियन में अलग थी। मतलब देखो जो हमने सिक्स क्लास की पढ़ी हिस्ट्री, डैट वॉज आर एंशियंट हिस्ट्री। सेवन्थ क्लास में हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं डैट इज़ मेडिवल हिस्ट्री, और जब हम एट्थ क्लास में पढ़ेंगे डैट विल बी योर मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, इधर हम देखिए जो मेडिवल पर्शियन जो लैंग्वेज थी वो मॉडर्न पर्शियन की लैंग्वेज में की कंपैरिजन में काफ़ी अलग थी। इसका मतलब है कि जितने जैसे जैसे साल बीतते हैं, जैसे जैसे टाइम स्पैन बीतता है, वैसे वैसे हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज में हमें चेंज देखने को मिलता है। देर इज़ अ चेंज इन आर लैंग्वेज। जैसे हमने भी मेडिवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन का अभी कंपैरिजन किया, सिर्फ ग्रामर या वोकेबलरी की ही बात नहीं है, वर्ड्स की मीनिंग भी अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज हो जाते हैं। जैसे टाइम बीतता है वर्ड्स की मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हम टर्म हिंदुस्तान की बात करें, जो आज के टाइम पे हम अपनी कंट्री इंडिया, मतलब एज अ इंडिया हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। हिंदुस्तान क्या है, इंडिया है, हमारी कंट्री है, हम ऐसे ही हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ करते हैं। बट 13th century में मिनहाज ई सिराज जो एक पर्शियन क्रॉनिकलर थे, उन्होंने जो भी एरिया जो कि पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना का जो भी एरिया था और दिल्ली सल्तनत का जो भी एरिया था, ये सारा इन्होंने इस पर्टिकुलर पार्ट को उन्होंने हिंदुस्तान का टाइटल दिया। ठीक है, जो भी पंजाब हरियाणा गंगा यमुना का जो भी पार्ट था, उसके अलावा जो भी दिल्ली सल्तनत की जो भी डायमेंशन थी उसको हिंदुस्तान का उन्होंने टाइटल दिया।
जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ती जाती थी, मतलब सल्तनत बढ़ी ना, जैसे जैसे जगह वो कॉनकोर करते थे, वैसे वैसे जो है हिंदुस्तान भी बड़ा होता जाता था। बट अर्ली 16th में जब बाबर आए, तो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया हमारी कंट्री की जियोग्राफी और फोना। फोना इज़ एनिमल्स, फ्लोरा इज़ द प्लांट्स एंड ऑल, बट फोना आर द एनिमल्स। तो जब बाबर आए, उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया हमारी जियोग्राफी, हमारे एनिमल्स, हमारी जो भी कल्चर्स है इस सब कॉन्टिनेंट में, जो भी कल्चर्स थे उसको डिपिक्ट करने के लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया, ठीक है। जबकि 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने वर्ड हिंद का यूज़ किया हमारी जियोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती थी उसको शो करने के लिए, ठीक है। जबकि जो हिंदुस्तान वर्ड था वो कोई भी पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग कवर नहीं किया करता था उस टाइम पे, ठीक है। तो जो हिस्टोरियंस थे उनको उस टाइम पे वर्ड्स यूज़ करने के लिए काफ़ी सोच समझना पड़ता था, कि क्योंकि अभी जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो कुछ साल के बाद उनका मीनिंग या फिर उनकी जो ग्रामर है वो चेंज हो सकता था, ठीक है। इस जैसे कि अगर हम एक वर्ड का एग्जांपल है, डैट इज़ फॉरेनर, अगर आज मैं आपसे पूछूँ कि फॉरेनर क्या होता है, तो आप बोलोगे फॉरेनर इज़ अ पर्सन जो कि इंडियन नहीं है, जो कि बाहर वाली कंट्री से आया है, ठीक है। बट मेडिवल पीरियड में फॉरेनर वर्ड यूज़ किया गया था उन लोगों के लिए जो कि उस सोसाइटी या उस कल्चर का नहीं था, मतलब एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए ये वर्ड हम यूज़ करते थे। जैसे जो सिटी ड्वेलर है, जो सिटी पे रहते हैं सब, कोई भी लोग जो लोग सिटी में रहते थे, उनके लिए फॉरेस्ट में रहने वाले लोग फॉरेनर थे, और फॉरेस्ट में रहने वाले लोग को सिटी में रहने वाले लोग फॉरेनर थे। हिंदी में हम इस वर्ड को एज अ परदेसी और पर्शियन में अजनबी यूज़ करते हैं। फॉरेनर यही होता है, आउटसाइडर, राइट। बट आज के टाइम पे हम फॉरेनर वर्ड यूज़ करते हैं फॉर जो अब्रॉड से लोग हैं, ठीक है, जो हमारी कंट्री से नहीं है, ठीक है। ये वर्ड्स डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड्स के लिए भी यूज़ किया जाता था। सो अब हिस्टोरियंस कैसे स्टडी करती थी, हिस्टोरियंस हमने पहले भी डिस्कस किया है, हिस्टोरियंस काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज को स्टडी करते थे, जो कि हमारे पास्ट को, जो हमारे पास्ट का एक स्पेसिफिक पीरियड स्टडी करने में उनको हेल्प करता था। उसके अलावा वो इन्वेस्टिगेशन भी करते थे। लास्ट ईयर मतलब जब हमने लास्ट 6th क्लास की बुक पढ़ी, तब हमने गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि रफली 1000 साल का, मतलब जो अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक में हम 1000 साल का वो लेने वाले हैं, 1000 साल के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ रफली 700 to 1750, ठीक है। तो अगर हम नोटिस करें कि हिस्टोरियंस इस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, वो छोड़ तो नहीं सकते ना, वो कंटिन्यूटी उस चीज़ को पढ़ ही रहे हैं। तो उस टाइम पे लोग जो हिस्टोरियंस थे वो कॉइन्स को पढ़ते थे, जो इंस्क्रिप्शंस थे जो लिखित थी उनको पढ़ते थे, जो आर्किटेक्चर्स थे, जो बड़ी बड़ी आर्किटेक्चर्स बनाए हुए थे उनको पढ़ते थे, और जो भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रखा गया था, जो भी लिखित में रखा गया था उनको वो स्टडी किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे 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 पेपर आया, तब लोगों ने पेपर पे चीज़ें रिकॉर्ड करना शुरू की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पढ़े द वैल्यू ऑफ पेपर, तो जब 13th सेंचुरी का मिडल पार्ट चल रहा था, तब एक स्कॉलर एक एक बुक को कॉपी करना चाहते थे, बट उनके पास इनफ पेपर नहीं था, सो उन्होंने जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जो उनको नहीं चाहिए थे उनको धो दिया, उस पेपर को सुखाया और उसको फिर से यूज़ किया। अगर हम 100 साल बाद की बात करें, तो अगर आप कोई भी फूड लेकर आते हो मार्केट से, तो शॉपकीपर आपको किसी पेपर के ऊपर ही रैप करके देता है वो आज के टाइम पे, राइट। सो अभी आप देख सकते हो कि उस टाइम पे क्या उस पेपर की कीमत होती थी और आज की क्या कीमत है। एक ऐसा टाइम था जब मिडिल 13th सेंचुरी में एक स्कॉलर एक कॉपी को धोकर, एक मतलब मैनुस्क्रिप्ट को धोकर फिर से उस पे नोट कर रहे हैं, जबकि आज के टाइम पे अगर आप दुकान से कुछ लेने भी जाओ तो वो आपको एक शॉपकीपर आपको पेपर में रैप करके देता है, ठीक है। सो जैसे जैसे पेपर आया, तब लोगों ने अपने होली टेक्स्ट, जो भी उनके रूलर्स थे, उनके बड़े बड़े मतलब जो भी उन्होंने बड़े बड़े वो किए थे, जो भी उनकी सेक्रीफाइसेस थे उनको उन्होंने नोट करना शुरू किया, जो भी खत लिखे जाते हैं एक दूसरे को, और जो भी सेंट्स, जो साधु संत जो भी पढ़ाते हैं, जो टीचिंग्स देते हैं उनको भी नोट करना हम लोगों ने शुरू किया।
उसके अलावा जो भी हमारे पेटिशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे उनको भी हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया। हमारे टैक्सेस और अकाउंट्स के जो भी रजिस्टर है वो भी हमने यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, जो मैनुस्क्रिप्ट थे वो बेसिकली जो वेल्दी पीपल थे वो अपने पास रखते थे, जो वेल्दी पीपल थे। उसके अलावा जो रूलर्स थे, जो मोनेस्ट्रीज थी, मोनेस्ट्रीज क्या होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। मोनेस्ट्री एक जगह थी जहाँ पे जैन और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो रहा करते थे, राइट, याद है, मोनेस्ट्रीज में रहा करते थे वो, एंड टेम्पल्स। ठीक है, तो ये जो भी मैनुस्क्रिप्ट्स थे इनको इन जगह के अलावा लाइब्रेरीज में और आर्चीव्स में रखा जाता। व्हाट वाज आर्चीव? डेट वाज अ प्लेस जहाँ पे जो भी मैनुस्क्रिप्ट्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपके बुक में इन वर्ड्स की मीनिंग्स भी गिवन है। ठीक है, सो ये जो भी मैनुस्क्रिप्ट्स थे वो काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस को प्रोवाइड करते थे, बट उनको यूज़ करना काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट भी था। ठीक है, उस टाइम पे कोई भी प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं हुआ करता था, ये बात देखो, ध्यान देना, उस टाइम पे कोई भी प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं हुआ करता था, तो जो भी मैनुस्क्रिप्ट हमें कॉपी करने थे वो हाथों से ही लिखे जाते थे, और जो उनको हाथों से फिर से कॉपी करते थे डैट और स्क्राइब्स, उनको स्क्राइब्स बोला जाता था। देखो एक एग्जांपल लो, जब आपकी कोई भी कॉपी नहीं कंप्लीट होती तो आप अपने फ्रेंड से अपनी कॉपी एक कॉपी बोरो कर लेते हो, फिर उस कॉपी से अपनी कॉपी पे सारा कॉपी कर लेते हो, ज़्यादा ही कॉपी कॉपी हो गया, मतलब आप उस कॉपी से जो उनकी नोटबुक होती है उससे अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेते हो। बट कभी ऐसा होता है कि आपको अपनी फ्रेंड की हैंडराइटिंग ना समझ नहीं आती, तो आप बस प्रिडिक्ट कर लेते हो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि हाँ हाँ ये लिखा होगा, और आप लिख देते हो, राइट। अब मैनुस्क्रिप्ट्स में भी कुछ ऐसा ही होने लग गया, जब ऐसा हमें देखने को मिला तो स्क्राइब्स जो थे वो मैनुस्क्रिप्ट को कॉपी करते करते स्मॉल चेंजेस बना देते थे वर्ड्स की, और धीरे धीरे वो सेंटेंसेस भी होने लगे। और जैसा ही टाइम बीतता गया जो मैनुस्क्रिप्ट्स थे वो उनमें काफ़ी स्मॉल स्मॉल डिफरेंस करते करते सेंचुरीज में स्मॉल स्मॉल डिफरेंस करते करते हमें बहुत बड़े डिफरेंस भी देखने को मिले। से देखो यहाँ पे हमें एक स्क्राइब दिखते हैं, स्क्राइब की एक पेंटिंग है, कैसे वो इस मैनुस्क्रिप्ट से इस मैनुस्क्रिप्ट में कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ पेंटिंग। सो यहाँ पे हाँ, तो कुछ टेक्स्ट ऐसे थे जो सब्सटेंशली डिफरेंट बनते गए धीरे 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 धीरे, और जो मैनुस्क्रिप्ट्स थे उनका ओरिजिनल ऑथर को अभी पाना इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि उनके जो ऑथर है वो अभी तो नहीं होंगे, और जो पुराने जो ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट्स हैं वो काफ़ी रेयरली ढूंढ मिलेंगे हमें। तो ऐसे ही ऐसे जैसे टाइम चलता गया स्क्राइब्स का भी वो बदलता गया, मतलब मीनिंग ही बदल जाता था वर्ड्स का। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो भी हिस्टोरियंस थे उनको मैनुस्क्रिप्ट के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन थे उनको भी सेम टेक्स्ट गेस करना पड़ता था कि ऑथर ने क्या लिखा होगा ओरिजिनली। सो यहाँ पे आपको एक दो हैंडराइटिंग आपको देखने को मिलती है पर्शियन और अरेबिक में। सो दिस इज द नेस्टालिक ऑन द लेफ्ट, हाँ दिस वन इज द नेस्टालिक, एंड द सेकेंड वन इज शिकस्ते। सो हेयर दिस वन इज शिकस्ते। ओके, सो तो जब हमें ऐसा देखने को मिला कि जब उनको भी गैस ही करना पड़ रहा है कि क्या ये चीज़ लिखी गई है, देन दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, सो अगर आप देखो कि 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था ज़ियाउद्दीन बरानी, तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपनी फर्स्ट क्रॉनिकल लिखी थी 1356 में, और उसका अनदर वर्जन उन्होंने लिखा था 2 साल के बाद। तो ये जो दो वर्जन्स थे ये जब हिस्टोरियंस इनको पढ़ते हैं तो उनका जो फर्स्ट वर्जन का एग्जिस्टेंस है वो 1960s तक था, बट जब उसको कंपेयर किया जाता है तो बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं कि बहुत सारी जगह पे चेंजेस किए गए हैं जो कि होने नहीं चाहिए। ठीक है, जो कि मतलब डिफरेंट है, उनका मतलब वो नहीं है। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो हमने जैसे अभी बताया मैंने आपको, हम एक हज़ार साल का टाइम स्पेंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जब आप एक इतना बड़ा टाइम स्पेन को स्टडी कर रहे होते हो तो हिस्टोरियंस को ना काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि देखो हज़ार साल है, हज़ार साल में कितने डिफरेंट टाइप के आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे नई टेक्नोलॉजीज अपीयरेंस हुई, जैसे पर्शियन व्हील था, पर्शियन व्हील को इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था, बट वो पहले तो नहीं था। अगर आप 700 से 1750 विच इज़ अराउंड 1050 ईयर्स का बात कर रहे हो, तो बीच में पर्शियन व्हील इंट्रोड्यूस हो गया इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील यूज़ हो गया वीविंग के लिए, फायर आर्म्स होते जो भी हम वो यूज़ करते हैं
जैसे जो हमारे अटैक करने के लिए होते हैं, जो तोप वगैरह होते हैं उनमें जो भी बारूद वगैरह लगती है, डेट आर फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ठीक है। तो ये भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये अब इन बीच में ये इंट्रोड्यूस हुआ। उसके अलावा नए फूड और बेवरेज आए हुए, जैसे पटेटोस, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। ये जो आपकी टी एंड कॉफ़ी है वो बाहर से आई हुई है, वो हमारे इंडिया की नहीं है। पटेटोज है, पटेटोज बाहर वाली कंट्री ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है। कॉर्न, कॉर्न जैसे आप पॉपकॉर्न बनाते हो, चिलीज, डैट आर ऑल, ये भी बाहर वाली कंट्री से, बाहर फॉरेनर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है। ये हमारे पास नहीं था पहले, ठीक है। सो ये जो भी इनोवेशंस है, नए टेक्नोलॉजी और क्रॉप है, ये उन लोगों के साथ आया है जो लोग हमारी कंट्री पे विजिट करते थे, ठीक है। तो जैसा जैसा टाइम बीता गया, हमें काफ़ी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्दर चैप्टर 5 में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये ग्रेट मोबिलिटी का भी टाइम था। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी इज मूविंग, ठीक है। मोबिलिटी इज विच इज मूविंग। तो ग्रुप ऑफ पीपल ट्रांसफर किया ट्रैवल किया करते थे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। वो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की उसमें वो लोग कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी जॉब की, तो वो बड़े बड़े डिस्टेंस कवर किया करते थे। बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट को हम लोग मतलब लोग उस टाइम ट्रैवल किया करते थे। ऐसे ही के बाहर के लोग जैसे इंडिया में आए तो डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप इधर उभर कर कर आता है जिसका नाम है राजपूत। राजपूत जो उस टाइम पे राजपुत्रा, राजपुत्रा का क्या मतलब होता है? राजपुत्रा इज द सन ऑफ द रूलर। राजपुत्र वर्ड से डिराइव हुआ है राजपूत, ठीक है। अगर हम 8th से लेके 14th सेंचुरी, 8th टू 14th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो ये टर्म जनरली उन उन वॉरियर्स के लिए यूज़ किया जाता था जो कि क्षत्रिय कास्ट के होते थे, ठीक है। होते वो क्षत्रिय कास्ट के थे और वो वॉरियर्स हुआ करते थे, ठीक है। कौन? राजपुत्रास, ठीक है। इसमें ये सिर्फ रूलर्स ही नहीं होते थे, उसके अलावा इसमें सारे जो भी शोल्डर्स थे, जो भी कमांडर्स थे, जो भी हमारे सब कॉन्टिनेंट को सर्व करते थे, वो भी इसी में इंक्लूडेड थे, ठीक है। और उनको उस टाइम पे एक एक आइडेंटिटी, कैसे उनको, कैसे उनका उनको कंडक्ट किया जाता था, क्या उनको मतलब कैसे उनको बोला जाता था, वॉज एक्सट्रीम वेलियर। वेलियर जो वेलियर होते हैं वो होते हैं साहसी, विच आर ब्रेव, ठीक है। एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी, ठीक है। वे आर द क्वालिटीज एट्रीब्यूट टू द राजपूत पोइट्स एंड बार्ड्स। जो जो भी पोइट्स थे उस टाइम पे, वो राजपूत्स को ब्रेव और लॉयल से मतलब उनको क्वालिटीज उनकी ये बताते थे। उसके अलावा जो और ग्रुप्स थे जैसे मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स और कैश्तास, ये कैश्ता स्क्राइब्स और जो भी स्क्रेट्रीज होती है उनके नाम थे, उनकी कास्ट थी। स्क्राइब्स क्या होती है अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। सो ये लोग भी इस टाइम पे, इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और ये भी पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन गए। इस पीरियड में एक और हमें चीज़ देखने को मिलती है कि लोग एग्रीकल्चर में ग्रो हुए बहुत जल्दी जल्दी। फॉरेस्ट क्लियर हुआ, लोग एग्रीकल्चर पे गए, ठीक है। हैबिटेट में हमें चेंज देखने को मिलता है। जो भी फॉरेस्ट पे रहा करते थे लोग, वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। लैंड में टिलिंग शुरू होती है, मतलब लैंड में लोग काम करना शुरू करते हैं, उगाना शुरू करते हैं और पीजेंट्स बनते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे पीजेंट्स बने, उसके साथ साथ जो रीजनल मार्केट था उसमें जो चीफ्टिन्स थे, प्रीस्ट थे, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स थे, इनका भी साथ साथ में इन्फ्लुएंस बढ़ा, ठीक है। सो इसकी वजह से जो है हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स और लार्ज हो गई, ठीक है। जहाँ पे टैक्सेस भी पे करना पड़ता था और जो लोकल लॉर्ड्स थे, जो लोकल लीडर्स थे, उनको गुड्स एंड सर्विसेज भी ऑफर करनी पड़ती थी। एज अ रिजल्ट जो भी हमारी इकोनॉमिक्स थी और जो भी हमारी सोशल थी, वो सारा मतलब पीजेंट्स के आसपास ही वो घूमता रहा, ठीक है। जो पीजेंट्स थे उनको भी डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। पीजेंट्स भी काफ़ी उस पार्ट्स में डिवाइड हो गए होंगे। कुछ जिनके पास काफ़ी बड़ी लैंड थी उनको, कुछ जिनके पास कैटल्स थे, ठीक है। कुछ जो साथ साथ में आर्ट का काम भी करते थे, जो आर्टिसनल वर्क भी करते थे, उसके अलावा ऐसे बेसिस में उनको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, ठीक है। और लोगों को, फार्मर्स के अलावा अलावा लोगों को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया गया जातीज में या सब कास्ट्स में, कास्ट्स में सॉरी, ठीक है। जो कि उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के ऊपर उनका एक रैंक लगा दिया गया था कि हाँ ये काम करता है, डैट इज़ वाई ये है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड ऐसा है तो ये इस कास्ट को बिलोंग करता है, ठीक है। जो भी रैंक्स थे वो परमानेंट नहीं थे, वो फिक्स नहीं थे, वो पावर के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होता था, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज थे वो जाति के लोग ही, मतलब जो जाति के मेंबर थे उनको कंट्रोल किया करते थे।
जो स्टैचूज थे इन जाति के, वो जगह से जगह मतलब एरिया टू एरिया वेरी करते थे। सपोज एनी पर्टिकुलर कास्ट है, कोई भी जाति है, वो इस जगह पे, इस विलेज में, दिस इज विलेज ए, यहाँ पे इस जाति को बहुत ही बड़ा मानते हैं, ठीक है। बट विलेज बी में दिस, ये जाति इतनी बड़ी नहीं है, इसको लो कास्ट का माना माना जा सकता था, ठीक है, ऐसा हो सकता था। सो जातीज के अपने अपने ओन रूल एंड रेगुलेशंस होते थे, वो खुद ही अपना कंडक्ट किया करते थे, अपने मेंबर्स जो भी थे वो खुद ही अपना मैनेज कर लिया करते थे चीज़ें, ठीक है। जबकि पूरे एरिया के लिए जाति पंचायत बनाई गई थी, ठीक है, पर और जो भी विलेज के रूल्स है जातीज को, वो रूल्स भी फॉलो करने पड़ते थे। जो भी विलेजेस थे का, वो चीफ टीन से, जो भी विलेज का जो चीफ टीन होता है ना, जैसे जो भी पंचायत होती है, जो एक जो सबसे चीफ होता है विलेज का, सारे काफ़ी विलेजेस में वो भी थी, ठीक है। सो जब ऐसा सब कुछ हो रहा था, तो रीजन और एम्पायर कैसे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक लार्ज स्टेट हमें देखने को मिलता है चोलास का, ठीक है, डेक्सिस तगलक और मुगल्स, जिनको हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, चोला को हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, और चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे जो भी तगलक्स थे, ठीक है। ये सारे जो है काफ़ी रीजन्स में हमें देखने को मिले। संस्कृत प्रशस्ति भी हमें देखने को मिलती है। प्रशस्ति क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा है, चैप्टर 6 क्लास 6 में। जब भी हम किसी की प्रेज में कुछ लिखते हैं, किसी की प्रेज में कुछ बोलते हैं, डैट इज़ प्रशस्ति, ठीक है। सो एक संस्कृत प्रशस्ति है, जिसमें वो दिल्ली सल्तनत के गियासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 तक रहे, ठीक है, एज अ किंग, सो उनके उनके प्रेज में इसको लिखा गया है, ठीक है। सो वो बता रहे हैं कि कैसे इस रूलर का एक वास्ट एम्पायर था, जो कि बंगाल बंगाल के गोदा से लेके गजनी के, जो कि गजनी तक फैला हुआ है, गजनी इज इन अफगानिस्तान, ठीक है। सो कैसे बंगाल से लेके अफगानिस्तान, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट वो फैला हुआ है। उसके अलावा साउथ इंडिया, जिसको द्रविड़ बोला जाता था, साउथ इंडिया को भी वो इंक्लूड करता है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट रीजन्स के कुछ लोग हैं, जैसे गोदा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, अपेरेंटली उनकी आर्मीज को ही, मतलब वो उन्हीं की आर्मी में आती हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस इन हिस्टोरी मतलब इनको ऐसा क्लेम करते हैं कि ऐसा हुआ होगा उस टाइम पे, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि रूलर्स इन एरिया को क्यों क्लेम करते थे, क्यों लड़ाइयाँ करते थे, ठीक है, क्यों कंट्रोल पाना चाहते थे डिफरेंट पार्ट के ऊपर। सो यहाँ पे एक हमारे पास एक बॉक्स है, जिसमें लैंग्वेज और रीजन के बारे में बोला गया है। सो 1318 में एक पोइट थे अमीर खुसरो, उन्होंने सॉरी उन्होंने ये नोट किया है कि इस लैंड के हर रीजन में अलग भाषा बोली जाती है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दवर समुद्री, जो कि सदर्न कर्नाटका में है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी बोली जाती है गुजरात में, और माबारी बोली जाती है तमिलनाडु में, गोरी बोली जाती है बंगाल में, और अवधी जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और हिंदावी जो कि दिल्ली के अराउंड बोली जाती है। तो अमीर खुसरो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी सारी लैंग्वेजेस है, बट एक संस्कृत है जो कि है तो काफ़ी कॉमन, बट वो हर लोगों को नहीं बिलोंग कर सकती हर रीजन के, डैट इज़ संस्कृत। संस्कृत सबसे ओल्ड लैंग्वेज है, और जो लोग इसको जानते हैं, मतलब कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, जो कॉमन लोग हैं, जो हर कोई आदमी है वो इसको नहीं जानता है, सिर्फ ब्राह्मण्स ही संस्कृत को जानते थे, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण्स उस टाइम पे इसको जानते थे, तब ब्राह्मण्स की जो है वो बहुत ही, मतलब उनकी हाई पोस्ट कर दी गई थी उस टाइम पर। 700 के टाइम पे जो भी रीजन्स थे वो काफ़ी पोजेस्ड थे, बिकॉज काफ़ी सारे जियोग्राफिकल डायमेंशंस हमें देखने को मिल रहे थे, और उनके अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट लो डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, ठीक है। जो भी ओकेशनली डायनेस्टीज थी, जैसे चोला, खालजीज, तगलक्स और मुगल्स, वो काफ़ी, वो ना पैन रीजनल एम्पायर बनाते थे। व्हाट वाज पैन रीजनल? पैन रीजनल मतलब जो कि पूरे इंडिया में फैला हुआ था, वो सिर्फ एक जगह पे नहीं था, पूरे इंडिया पे फैला हुआ था, डैट इज़ पैन रीजनल, स्पैनिंग ऑफ डाइवर्स रीजन, ठीक है। सारे एम्पायर्स इक्वली स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं थे, ठीक है, कुछ मतलब हर अलग अलग जो भी हमारा
जो अलग अलग रूलर्स थे, अलग अलग एम्पायर था, वो अलग अलग रेशो, अलग अलग मतलब तरीके से फैले हुए थे और बड़े थे। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन करना शुरू हुआ 18th सेंचुरी में, तब जो भी रीजनल स्टेट्स थे उनका री एमरजेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बट ईयर ऑफ एम्पायरल जो भी, बट देखो ना, जो भी है इतना पैन रीजनल रूल वो रह चुका है, तो रीजन का जो भी कैरेक्टर है उसको तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज इतना बड़ा उनका सल्तनत था, इतना बड़ा एम्पायर था, नॉट सल्तनत सॉरी, इतना बड़ा उनका एम्पायर था। तो अगर वो धीरे धीरे डिक्लाइन भी हो रहा है तो उनका पहले का जो भी इफेक्ट था वो तो उनके ऊपर रह ही जाएगा ना, आज की स्टेट और आज की कंट्री के ऊपर, ठीक है। जो भी लेगेसीज थी बड़े बड़े या स्मॉल स्मॉल स्टेट्स के, वो जो भी जो जिनने बड़े बड़े राजाओं ने उनके ऊपर राज किया था, वो लेगेसीज छूट गई थी उनके साथ। कि अभी भी बड़े 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 से बड़े गाँव हो या छोटे स्टेट्स हो, लोग यही बोला करते थे कि उस राजा ने किस टाइम ये किया था, तो उनकी लेगेसीज छूट गई थी, ठीक है। इतने सारे मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंस हुए, बट स्टिल ट्रेडिशनल भी शेयर करता था। गवर्नमेंट की रीम जो भी मतलब ट्रेडिशन जब शेयर हुआ, तो हमें गवर्नेंस की रीम्स देखने को मिलते हैं, इकोनॉमी कैसे मैनेज होती है, हमारा एलाइट कल्चर था, उसके अलावा हमारी इतनी सारी लैंग्वेजेस भी थी, ठीक है। सो इस 1000 साल में हमें काफ़ी डिफरेंट रीजन्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो भी रीजन्स है, इनको आइसोलेशन में नहीं ग्रो किया गया, ऐसा नहीं था कि इनको छुपा के ग्रो किया गया, इनके ऊपर बस जो पैन रीजनल फोर्सेस था उनका इम्पैक्ट रह गया था, ठीक है, जिससे उनका जो डिस्टिंक्टिवनेस था वो हमें थोड़ा सा लूज मतलब वो खो चुके थे, ठीक है। अब ऐसा है तो बहुत ही नए और पुराने रिलीजन भी ग्रो हुए होंगे, क्योंकि रीजन्स डिवाइड हो गए, रिलीजन भी ग्रो होंगे। इन 1000 सालों में हिस्ट्री को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली, बहुत सारी चीज़ें हमने विटनेस की, चाहे, और उसमें से एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट था, डैट वॉज रिलीजियस ट्रेडिशन। रिलीजियस ट्रेडिशंस बहुत मेजर तरीके से हमारी कंट्री में फैल गए, ठीक है। लोगों ने एक डिवाइन, एक देवी, मतलब एक चीज़ को के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दिया, ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो कलेक्टिव हो, ठीक है। मतलब वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड था। लोगों ने, जिसको आज हम हिंदुज़म बोलते हैं, लोगों ने डिटीज़ को, लोगों ने देवी देवता को पूजना शुरू कर दिया, मंदिर बने। ब्राह्मिन्स उस टाइम पे, ब्राह्मिन्स प्रीस्ट, इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बना और इनका एक अलग ही डोमिनेंट ग्रुप बन गया सोसाइटी में, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि जो भी ब्राह्मण्स थे उनको संस्कृत टेक्स्ट की इतनी सारी नॉलेज थी कि जो भी हमारे पुराने वेद थे जो संस्कृत में लिखे गए थे वो उनको समझाया करते थे, ठीक है। तो उनका जो पोजीशन था वो इतना बढ़ गया, इतने वो डोमिनेंट हो गए, ठीक है। उसके अलावा उनके पैटर्न्स आर द उनको एक हैवी इंडिविजुअल का सपोर्ट मिल गया, ठीक है। सो जैसे क्राफ्ट पर्सन हो गए, कभी कभी तो राजा भी उनको इतना, नए रूलर्स थे वो उनकी प्रेस्टीज के लिए सर्च करते थे, इसलिए उनकी जो पोस्ट थी वो काफ़ी बढ़ गई, ठीक है। उसके अलावा भक्ति, इस टाइम पे भक्ति का आइडिया भी बना। इसमें ये नहीं था कि आप ये सारे रिचुअल्स करो, जो लिखा है वो करो, प्रीस्ट को पूजा करो, बट अपने अंदर से आपकी जो इच्छा है, अपना जो आपका लव है, जो पर्सनल है, जो आपका जो भी देवता है उसके लिए आपकी क्या प्यार है, क्या आपकी भावना है, उसको ऐसा भक्ति उन्होंने बना दिया, उस भक्ति का उसको स्टेज दे दिया गया, ठीक है। उसके अलावा एक रिलीजियस अपेरेंस मिल गया हमारे सब कॉन्टिनेंट को। जो भी मर्चेंट्स थे जो माइग्रेन करते थे, ठीक है, उन्होंने कुरान को इंट्रोड्यूस किया मुस्लिम्स फिले, ठीक है। मुस्लिम्स की होली बुक इज़ कुरान, ठीक है। तो कुरान में और उनकी होली बुक में ये था कि एक ही गॉड है जो कि अल्लाह है, जो कि सबको प्यार करता है, सबको मर्सी दिखाता है, मर्सी इज़ दया, ठीक है, जो कि सबको प्यार करता है, सबका मालिक है और वो एक ही है, डैट इज़ अल्लाह, ठीक है। सो उस टाइम पे जो है हमारे इंडिया में तो सारे हिंदू ही हुआ करते थे, ठीक है, इस टाइम पे थोड़े हमें मुस्लिम्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे इनके भी इस्लाम के जो पैटर्न्स हैं, जैसे हमारे पंडित होते हैं जो भी पुजारी होते हैं उनके वॉज द उलामा, तो वो जो भी थियोलॉजिनियंस थे और ज्योरिस थे ये सारे मतलब वो पढ़ाए करते थे। जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, उन्होंने भी इस्लाम में मतलब एक वैरायटी बना दी फॉलोअर्स की, डैट वाज द शिया मुस्लिम्स एंड द सुन्नी मुस्लिम। तो शिया मुस्लिम्स थे वो बिलीव करते थे, जो मोहम्मद थे जिन्होंने मुस्लिम शुरू किया, मुस्लिम जिन्होंने मतलब मुस्लिम शुरू किया था, मुस्लिम धर्म, डैट वाज मोहम्मद। तो मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे, सन इन लॉ मतलब उनकी जो
बेटी थे उनके जो हस्बैंड थे अली, उनको वो लोग उनको लीडर मानते थे और उनके अकॉर्डिंग काम करते थे, ठीक है, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर उनको मानते थे, जबकि जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो जो भी अर्ली लीडर्स थे, जो भी खलीफाज थे, उनको मतलब उनको अपनी कम्युनिटी का लीडर माना करते थे, ठीक है। उसके अलावा जब हमें हनाफी और शाफीज भी देखने को मिला इंडिया में, ठीक है। अब अगर हम इस टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है कि हिस्टोरियंस सिर्फ घंटे, दिन या इयर्स नहीं करते, वो क्लॉक या कैलेंडर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा साल पहले क्या क्या चीज़ें हुई उनको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस हमें देखने को मिले उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम 19th सेंचुरी के मिडिल पार्ट में देखें तो जो भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने सोचा कि वो इंडिया को स्टडी करने के लिए हिस्ट्री को डिवाइड कर लेंगे 3 पीरियड्स में, डेट इज़ हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। बट ये डिवीजन एक खला नहीं हम लोगों को, बिकॉज मतलब खल रहा था, सॉरी, वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि जिस टाइम पे हिंदू थे उस टाइम पे मुस्लिम्स थे ही नहीं या ब्रिटिशर्स थे ही नहीं, एक ऐसे पर्टिकुलर ब्रिटिश पर्टिकुलर टाइम नहीं था, है ना, मतलब पूरा पूरा हमें डे देखने को ईयर मिलता है कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इधर ब्रिटिशर्स भी है, इधर मुस्लिम्स भी है, इधर हिंदूज भी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। और अदर सिग्निफिकेंट जैसे डेवलपमेंट था, जैसे इंडिया, जैसे इकोनॉमी में, सोसाइटी में और कल्चर में, तो उन्हें भी तो हमें पूरा अच्छे से दिखाना है, हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। उसके अलावा जो रिच डाइवर्सिटी थी सब कॉन्टिनेंट की, उसे भी तो दिखाना है। अभी भी कुछ हिस्टोरियंस है जो इसी पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं, पर ज़्यादातर इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। अगर हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करें तो हमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं कैसे हंटर गैदर्स थे, फार्मर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लोग विलेजेस में, टाउन्स में रहते थे, अर्ली एम्पायर और किंगडम कैसा था, ठीक है। अभी हम इस बुक में हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो हमें मिलेगा कैसे पीजेंट सोसाइटीज़ और कैसे रीजनल और एम्पायरल स्टेट फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, कैसे फॉरेस्ट वाले पीपल्स जो है वो मतलब अपना विलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं और एग्रीकल्चर शुरू होता है, ठीक है। उसके अलावा हमें ना काफ़ी कंसिडरेबल चेंज हमें देखने को मिलता है इन 1000 सालों में, मतलब जो भी 16th और 18th सेंचुरी थी वो 11th और 8th सेंचुरी से ऑफकोर्स डिफर करेगी ही करेगी, क्योंकि इतने इतने इन्हें कुछ 100 साल में कुछ तो चेंजेस आएंगे ही हमारी कंट्री में, ठीक है। मेडिवल पीरियड ऐसा मेडिवल पीरियड हिस्ट्री मॉडर्न पीरियड के पहले आ रहा है, ऐसा है नहीं कि मॉडर्न जो मेडिवल पीरियड है वो मॉडर्न नहीं था, बट जो भी एंशियंट है और एंशियंट और मॉडर्न के बीच के लिए हमें एक एस्पेक्ट चाहिए, डैट इज़ योर मेडिवल। हम यहाँ पे मेडिवल पढ़ने वाले हैं, ओके। इन 1000 सालों में जो भी हमारी सब कॉन्टिनेंट्स थी उनकी सोसाइटीज़ में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो भी हमारे सेवरल रीजनल चेंजेस है, रिलीजियस चेंजेस है, वो भी हम इसी बुक में आज इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस, डैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक दैट। यस, थैंक यू वेरी मच।